देना चाहूंगी कि आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एग्जाम को समझ लीजिए, एग्जाम में किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है, एक बेयर मिनिमम तो है कि 2 साल लग जाते हैं, 1 साल की तैयारी, 1 साल का एग्जाम, और प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियां निकालिए, उन गलतियों पे काम कीजिए, बस यही मेरे हिसाब से सक्सेस की है, और इसी पे लगे रहिए। कंपैरिजन खुद से करिए, आसपास से नहीं, खुद से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, और खुद में बिलीव रखिए, कभी डाउट मत करिए अपने आप को, आगे देखने की टेंडेंसी रखिए। मेरी यही स्ट्रेटजी थी, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड प्रैक्टिस, फीडबैक एंड नेवर लूजिंग होप। एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि रैंक तो ऊपर नीचे हो ही जाती है, तो उसका वो तो इट इज नॉट इन वंस ओन हैंड, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, फिर व्हाट वर्क्स, क्या नहीं काम किया वो कह पाना मुश्किल है। बाकी यदि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो देखिए कि क्यों नहीं हो पाए, किस स्टेज में, मेंस में नंबर कम है या प्री में नहीं हो पाया, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक बार वीकनेस पे काम हो जाएगा, वो दूर हो जाएगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।